हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नॉट 11 के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है उसे आपको इनेबल या ऑफ कराना तो कैसे करा सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको जो आपका टच साउंड होता है उसे इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डायल पैड साउंड, यहाँ से आपको मिल जाता है डायल पैड साउंड, इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन साउंड मिल जाता है, इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से और आपको साउंड में अचीवमेंट मिल जाते हैं, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो हमारा डायल पैड साउंड है वो आपको इनेबल हो चुका है। यहाँ से हम इसमें आ जाते हैं, आप जो भी डायल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डायल पैड साउंड इनेबल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसे इनेबल कर सकते हैं और ऑफ करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।